सब्सक्राइब कीजिए मिस्टर आई के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। बिना टाइम बर्बाद किए आज की न्यूज शुरू करते हैं। 24 अगस्त 2017 को रिलायंस जियो ने अपने फीचर फोन का सस्पेंस खोलकर लोगों के लिए तोहफा दे दिया है, लेकिन हम सभी जानते हैं भेड़ चाल चलने वालों की कमी नहीं है। जैसा कि मैंने अपना पिछले वीडियो में कहा था कि रिलायंस जियो के फीचर फोन के लॉन्च होने के बाद में बाकी कई कंपनियां बिल में से बाहर आएंगी और वो भोले भाले कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए नए नए ऑफर्स निकालेंगे। तो ऐसा ही कुछ किया है आईटेल की इस कंपनी ने, जो कि एक चाइनीज कंपनी है। जियो के फीचर फोन की बुकिंग शुरू होने के एक दिन बाद ही आईटेल मोबाइल कंपनी ने वोडाफोन के साथ में हाथ मिला लिया है। ये कंपनी जियो को टक्कर देने के लिए आईटेल फीचर फोन पर आकर्षक ऑफर की पेशकश कर रही है। भारत में आईटेल का यह फीचर फोन 800 रुपए की कीमत से शुरू होगा और साथ ही नए ऑफर के बाद में कंपनी 900 रुपए का कैशबैक देने की बात भी कर रही है। यानी कि फोन तो फ्री होगा ही होगा, प्लस आपको 100 रुपीस का फायदा भी होगा। अब आप ये सोच रहे होगे, भाई वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें तो फोन भी फ्री का है प्लस 100 रुपए का फायदा भी है। लेकिन दोस्तों पहले पूरी बात सुन लो, कंपनियां किस तरह से बौखला गई हैं, कंपनी क्या क्या ट्रिक खेल रही हैं। अभी मैं बताता हूँ इसके अंदर की बात क्या है। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, यह ऑफर 25 अगस्त से शुरू हो जाएगा, जो कि वोडाफोन के नए कस्टमर और पुराने कस्टमर दोनों के लिए ही होगा। यानी कि यह 900 रुपए का कैशबैक दोनों को मिलेगा। अब बताता हूँ मैं अंदर की बात, 900 रुपए का कैशबैक किस तरह से मिलेगा। इसके लिए कस्टमर को हर महीने एक बार कम से कम 100 रुपए का रिचार्ज कराना होगा या फिर उससे अधिक का। इसके बाद 18 महीने तक कस्टमर को 50 रुपए का टॉक टाइम मिलेगा, ना कि आपको कैश अमाउंट मिलेगा। तो भाई इसमें क्या बात हुई रिलायंस जियो के फीचर फोन को टक्कर देने वाली, और फोन कंपनी भी चाइनीज है। ये तकरीबन आईटेल के फोन के 17 मॉडल के साथ में ऑफर आपको मिलेगा। तो भाई ये तो था आईटेल और वोडाफोन की मिलीभगत। अब भाई मैं तो ये फोन लेने वाला हूँ नहीं। पहली बात चाइनीज कंपनी, दूसरी बात हर महीने आपको कम से कम 100 रुपए का रिचार्ज कराना होगा, जिसमें कि आपको 50 रुपए का टॉक टाइम मिलेगा और वो 50 रुपए आपको 18 महीने तक मिलेंगे। यानी कि अगर आप मिनिमम भी रिचार्ज कराएंगे तो 18 महीने में आपको 1800 रुपए का रिचार्ज कराना होगा, तब आपको 900 रुपए का टॉक टाइम मिलेगा उन 18 महीनों के लिए। तो भाई ये स्कीम मेरी समझ में तो नहीं आई। अगर आपकी समझ में आई है और आपको कैसी लगी ये स्कीम तो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। क्या यह कंपनी रिलायंस जियो के फीचर फोन के सामने टिक पाएगी या फिर कुछ उससे अच्छा कर सकेगी? मुझे आप लोगों की राय जाननी है, क्योंकि आप और हम ही कस्टमर हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको न्यूज पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर ये चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हर तरह की टेक रिलेटेड जानकारी आपके लिए लाता रहता हूँ, तो आज्ञा दीजिए।